हेलो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम से संबंधित विषयों और पदों पर चर्चा की। आज के वीडियो में हम एक्स वाई तल में निर्देशांक बिंदुओं को आलेखित करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलेख कागज पर एक्स और वाई अक्ष बनाकर 1 सेंटीमीटर का एक एकक का पैमाना लेकर संख्याएं लिख लेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी निर्देशांक बिंदु को हम एक्स वाई इस प्रकार लिखते हैं, पहले एक्स निर्देशांक और फिर वाई निर्देशांक। तो चलिए इस निर्देशांक बिंदु 4-3 को आलेख कागज पर आलेखित करते हैं। यहां पर एक्स निर्देशांक है 4 और वाई निर्देशांक है 3। अब हम एक्स अक्ष पर संख्या 4 ढूंढेंगे और फिर वहीं से एक लंब खींचेंगे, या कह लें कि एक सीधी रेखा y अक्ष के समांतर। लेकिन किस ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, यह निर्भर करता है y निर्देशांक पर। हमारा y निर्देशांक है 3, जो है नीचे की ओर, यानी हम इस रेखा को नीचे की ओर 3 तक ले जाएंगे और वहां पर आकर बिंदु स्थापित करेंगे। और अब यह बिंदु 4-3 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह किस चतुर्थांश में स्थित है? यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में यानी 4th क्वाड्रेंट में होगा। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि हमने एक्स निर्देशांक से शुरुआत की। क्या हम वाई निर्देशांक से शुरू करके इस बिंदु को स्थापित कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। वाई निर्देशांक है 3, तो हम y अक्ष पर संख्या 3 ढूंढेंगे और फिर उसी बिंदु से y अक्ष पर लंब खींचेंगे, या कह लें x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। लेकिन किस दिशा में, वह किस पर निर्भर होगा? वह निर्भर होगा x निर्देशांक पर, जो है 4, यानी हम दाहिनी ओर या पूर्व दिशा में इस संख्या को 4 एकक तक लेकर बिंदु स्थापित करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें दोनों विधियों से वही बिंदु मिला। दोस्तों, इस प्रकार आप किसी भी निर्देशांक बिंदु से शुरू करके बिंदु स्थापित कर सकते हैं। इनके अलावा एक और तरीके से आप यह बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम x निर्देशांक यानी 4 से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और उसी प्रकार y निर्देशांक यानी 3 से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और फिर यह रेखा जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वह होगा अपेक्षित बिंदु 4-3। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एक्स वाई तल में निर्देशांक बिंदु को आलेखित करना सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।